हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो सेट्स का मैक्सिमम लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट पार्ट में थे सेट के, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, जिसको मैंने लास्ट क्लास में एक और नाम दिया था, ठीक है ना। इसको कुछ किताब में ये भी लिखा रहता है, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, ठीक है। हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। थ्योरम ये था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये याद होगा तुम लोगों को, इसका प्रूफ भी बताया था, उसको रिपीट नहीं कर रहा मैं, प्रूफ को रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब यार सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, इंटरनेट वगैरह पे पढ़े हो, ठीक है। इंटरनेट पे जो चीज़ दी है गलत तो नहीं है, लेकिन सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें गलत है, ठीक है। तो मैं फिर से इस और का मीनिंग बता देता हूँ, और मैं फिर से ये एंड का मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। एंड का मीनिंग होता है बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। इसको मैथमेटिकली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर का मीनिंग होता है, देखो ओनली ए कॉमा ओनली बी कॉमा बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑर का मतलब होता है ए, और बी का मतलब होता है सिर्फ ए लो, सॉरी सिर्फ बी लो या दोनों लो। इसको हम मैथमेटिकली ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे ये लिखा मिलेगा तुमको टी और कॉफी, ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, मैं टी और कॉफी में कौन कौन से लोग कंसिडर करोगे वो सब लिख रहा हूँ मैं। पहले वो लोग जो सिर्फ टी पीते हैं, ओनली टी। सेकेंड वो लोग जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, और थर्ड वो लोग जो टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं। समझ में आया क्या, टी और कॉफी लिखा रहा और वर्ड दिया रहा, तो उसमें सिर्फ टी वाले भी लोगे, सिर्फ कॉफी वाले भी लोगे, और टी एंड कॉफी वाले भी लोगे, ठीक है ना। या देखो अब मैं क्या इसमें बहस करने तो जाऊंगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि अपने को ये वाला पार्ट भी लेना है। अब वो क्या, तुम लोग अगर इंटरनेट पे देख रहे हो तो वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ठीक है ना। इंग्लिश में हम लोग है ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जब भी दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जब भी ए और बी मेंशन करते हैं हम ए और बी, तो उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आएगा, टी और कॉफी का मतलब मैं बोलूँगा ऐसे लोग जो चाय या कॉफी पीते हैं, तो उसमें वो लोग भी आएंगे जो सिर्फ चाय पीते हैं, वो लोग भी आएंगे जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, और वो लोग भी आएंगे जो दोनों पीते हैं, ठीक है ना। और में ये वाला पार्ट भी आता है। अरे सिंपल सा है, हमने जब वेन डायग्राम में ए यूनियन बी रिप्रेजेंट किया था, तो ए यूनियन बी में हमने सिर्फ ए वाला पार्ट भी रिप्रेजेंट किया था, सिर्फ बी वाला पार्ट भी रिप्रेजेंट किया था। लिख देता हूँ, ये ओनली ए वाला पार्ट था, ये ओनली बी वाला पार्ट था, और ये ए एंड बी वाला पार्ट था। तो ये तीनों पार्ट ही लेना है अपने लोगों को ए यूनियन बी में, ए वाला पार्ट भी लेना है, बी वाला पार्ट भी लेना है, और दोनों भी लेना है, ठीक है। उसके ऊपर अपने कोई भी बहस नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में यही मेंशन है, इसलिए यही कंसिडर करके अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ और बोल रहा हूँ, आगे कहीं कुछ और ही बोलूँगा, हर जगह मैं यही तीन स्टेटमेंट बोलूँगा, ठीक है ना, कहीं पर भी मैं कुछ और बोलने वाला नहीं हूँ। तो इंटरनेट पर मत देखो, यही है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए यही अपने को फॉलो करना है, ठीक है। अब क्या है यार, वो डिपेंड करता है, कुछ लोग और को ऐसे डिफाइन करेंगे, कुछ लोग यही दोनों डिफाइन करते हैं। अपने को तो साफ साफ दिया हुआ है कि और का मतलब ओनली टी ओनली कॉफी और बोथ होता है, तो यही है, ठीक है। तो बस अपने लिए अब सिर्फ क्वेश्चंस ही बाकी है, ठीक है। और तीन सेट वाला भी अपने को सॉल्व करना है, कार्डिनल नंबर तीन पे भी अप्लाई करना है, वही दो चीज़ें करनी है, बस वो कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखते हैं आज खत्म होता है कि नहीं। क्वेश्चन लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, वीडियो पॉज करके, अपना क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, ये सवाल तो तुम लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ। वेन डायग्राम बना देता हूँ, ए है, ये बी है, ये यू है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एन ऑफ ए 28, मतलब ए में 28 एलिमेंट है, एन ऑफ बी 32, बी में 32 एलिमेंट्स है। मैंने बोला था यहाँ मत लिखना, यहाँ ओनली ए वाला पार्ट आता है, पूरा ए में 28 एलिमेंट है तो पूरे गोले में 28 है, तो 28 यहाँ लिखोगे। क्या निकालना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी में एक्स एलिमेंट्स है, पूरे 28 था तो ये हो गया 28 माइनस एक्स, ये पूरा 32 था तो ये हो गया 32 माइनस एक्स। मैं बोल सकता दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स दैट इज 50, 28 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। यहाँ से x निकाल लो कितना आएगा, 10 आएगा। ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, इस फॉर्मूले से करके देख लो, सेम आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। इफ p एंड q आर टू सेट्स सच दैट P has 40 elements and P union Q has 60 elements, ठीक है, and P intersection Q has 10 elements and number of elements इन क्यू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में शायद किया था, ठीक है। मैं बस रिवाइज कराने के लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नए क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा। ये पी है, ये क्यू है, देखो क्या दिया हुआ है, पी में कितने एलिमेंट्स है 40, तो यहाँ 40 मत लिखना, यहाँ लिखो पी यूनियन क्यू में 60 है, तो वो तो कैसे ही मैंशन करूँ, रहने देते, ये यूज़ कर लेंगे लास्ट में। पी इंटरसेक्शन क्यू में 10 एलिमेंट्स है, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, कितने किस में निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, तो ये x मान लेता हूँ, ये पूरा 40 था, ये 10 था, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये पूरा x माना है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 10। मैं बोल सकता हूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल एलिमेंट 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैज इज 30, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यार देखो दो दो वाले तो आसान ही होते हैं, मैं कुछ भी लिख दूँ लगेगा तुम लोगों को आसान है, ठीक है। तीन तीन वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वो देखते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, ठीक है, टू टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है ना। अब एक स्कूल में 20 टीचर है जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। अब यार एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं इसका मतलब है कि 20 टीचर में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये मैंने समझा दिया है। और दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि ये 12 लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो इसमें वो लोग भी आ गए जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और वो लोग भी आ गए जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ठीक है, हमको बताना है कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो भाई वेन डायग्राम, ये बोले मैथ्स वाले लोगों के लिए ये फिजिक्स, ठीक है। क्या बोला है कि 12 लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये 12 लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ 12 नहीं लिखोगे, ये 12, 4 लोग फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों, यहाँ लिख दिया, ये 8 हो गया, ये 8 क्या, ये 8 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं,
फिजिक्स पढ़ाने वाले एक्स मान लिया, ये हो गया एक्स माइनस फोर, मैं बोल सकता 8 प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 20, एक्स क्या गया यहाँ से 12। सेम लास्ट क्लास का सवाल है, तो एग्जैक्टली 12 लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ठीक है ना, 150 लोग चाय पीते हैं एंड 225 टेकिंग कॉफी, ठीक है ना, ये 150 लोग चाय पीते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ चाय पीते हैं, 150 लोग चाय पीते हैं, उसमें वो लोग भी आ जाएंगे जो चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, और वो लोग भी आ जाएंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 लोग दोनों ले रहे थे चाय और कॉफी दोनों, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफी, ठीक है, कितने लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो ये चाय पीने वाले हो गए, कॉफी पीने वाले हो गए, सर्वे के 600 लोग हैं पूरे, ठीक है, चाय पीने वाले कितने हैं 150, 150 यहाँ लिखेंगे, 225 यहाँ लिखेंगे, 100 वर टेकिंग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा 150 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये पूरा 225 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 125, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, 50 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, 100 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इन दोनों को मिला के 150 यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हमको बोलना है कैद कितने लोग दोनों नहीं पीते हैं, तो दोनों नहीं पीने वाला मेरे को लगता है तो मैं वो समझता है बाहर वाला पार्ट आएगा, तो मैं बोल सकता दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 50 प्लस 100 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 600, यहाँ से एक्स निकाल, ठीक है, ये तो निकाल ही लोगे आराम से, ये भी क्लियर होगा मेरे हिसाब से, आसान लगा होगा सवाल, ठीक है ना, इस टाइप का सवाल आईआईटी जेई में आया हुआ है, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर सवाल है, किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद से करना। एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, ठीक है ना, 100 स्टूडेंट्स को हिंदी आती है, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोस एटलीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है ना, इसे समझ में आएगा तुमको, मतलब इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज हर स्टूडेंट को तो आता ही है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ठीक है ना, बताना है ग्रुप में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो देखो तुमको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ, ये हिंदी वाले बच्चे, ये इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है, 100 बच्चों को हिंदी आती है, यहाँ हिंदी लिख दो, यहाँ मत लिखना, 50 लोगों को इंग्लिश आती है और 25 लोगों को दोनों आती है, ये पूरा 100 है, 25 है, तो ये क्या हो गया 75, देखो ये 75 लोगों को सिर्फ हिंदी आती है, 25 लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, टोटल मिला के 100 लोगों को हिंदी आती है, ठीक है, ये पूरा 50 है, ये 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली लाइन, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब सबको हिंदी या इंग्लिश में से कुछ ना कुछ तो आता ही है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर 0, अरे ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता है,
ठीक है ना, तो ये जीरो बच्चे हैं जिनको दोनों ही लैंग्वेज नहीं आते हैं। तो टोटल बच्चे कितने थे, तो 75 + 25 + 25 इज इक्वल टू 125। टोटल स्टूडेंट्स वर 125, 125 बच्चे थे पूरे ग्रुप में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होगा। ये देखो है बहुत आसान सारी चीज़ें, बस क्या ढंग से हम लोगों को क्या समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर देख के ही तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, तब तो खुद से तो नहीं ही बना पाओगे। ठीक है ना, मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ, देखते जाओ। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखता हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 950 persons, 750 can speak Hindi, ठीक है, 460 can speak English, find first how many speak both, second how many speak Hindi only, third find how many speak English only। ठीक है, ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले, 750 लोग हिंदी बोलते हैं, 460 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये एक्स, यही तो निकालना है, 750 - x, ये 460 - x, मैं बोल सकता दिस प्लस दिस प्लस दिस, इज इक्वल टू टोटल लोग, जितने लोगों का सर्वे हुआ था या जितने लोग थे ग्रुप में। ठीक है, यहाँ से x आ गया, क्या आएगा निकाल लो यार, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए देख के कर ले रहा, शायद 260 आएगा, हाँ 260 ही आएगा, 260 लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, तो हाउ मैनी स्पीक बोथ, ये हो गया 260, ये भी लास्ट क्लास में कराया। हाउ मैनी स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली मतलब ये वाला पार्ट, 750 - x रख देना। हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश ओनली इज 460 - 260, दैट इज 200, ये भी कर ही लो ना सॉल्व, 260 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, आज क्लास में मैंने शायद इसको गड़बड़ कर दिया था, 490। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यार, दो दो वाले क्वेश्चन इससे हार्ड नहीं बना सकता हूँ मैं। ठीक है ना, इससे हार्ड नहीं होते। अब अपने एक काम करते हैं, तीन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो तो फार्मूला हमने दो सेट के लिए बनाया था, तो वही फार्मूला हम तीन सेट के लिए बना रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी याद नहीं किया तो ये भी याद नहीं करेंगे। कंसिडर थ्री सेट्स A, B, C, ठीक है ना, तीन सेट है, इन तीनों को बनाने का मैंने तरीका बताया था, ये बनाओगे तुम A, ये बनाओगे तुम B, ये बनाओगे तुम C, ऐसे। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट है तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है सुनना ध्यान से, पहले मैं दो तरीके से फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये पूरा, ये पूरा, ठीक है ना, इस पूरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितने ए में एलिमेंट्स है ये गोले में, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जितना इस गोले में एलिमेंट है बी वाले में, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
सी, जितना सी में एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखो एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुई? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है। जब हमने ए के एलिमेंट लिया और हमने बी के एलिमेंट लिया, तो हमने ये वाला पार्ट कितनी बार लिया? दो बार लिया। तो हम एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने ए लिया और सी लिया, तो हमने ये वाला पार्ट कितनी बार लिया? दो बार लिया। तो हम क्या करेंगे? एक बार सब्ट्रैक्ट। जब हमने बी लिया और सी लिया, तो हमने ये वाला पार्ट कितनी बार लिया? दो बार। तो हम एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और जब हमने ए लिया, तो ये वाले पार्ट की बात करो, ये वाला पार्ट देखना। जब हमने ए लिया तो एक बार ये लिया, फिर हमने बी लिया एक बार ये लिया, फिर हमने सी लिया एक बार ये लिया, मतलब हमने ये कितनी बार ले लिया? तीन बार ले लिया। और हमने ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट एक बार सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये वाला पार्ट एक बार सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये वाला पार्ट एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अरे देखो ना, तीनों सब्ट्रैक्ट है, तो ये वाला पार्ट कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया? तीन बार। तो तीन बार लिया, तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट तो गायब ही है, तो मैंने उसको एक बार ऐड कर दिया। देखो ये समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को, कुछ लोगों को शायद आया भी हो, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इसलिए भी समझ में आया होगा, ये क्लास में अच्छे से समझ में आता है। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं उसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से तुम, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार इसको समझाने के लिए, मैं सारे रीजन को मार्क कर दे रहा हूँ। इसको ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है ना। अरे ए का मतलब ये छोटा वाला रीजन ही है, ये बी है, ये सी है, ये डी, डी इतना सा डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। अब सुनना तुम ध्यान से, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताओ, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे गोले में कितने एलिमेंट्स है? ए बी डी ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बताओ, इस पूरे गोले में कितने एलिमेंट्स है? तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी बताओ, तो मैं बोलूंगा डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। कोई मुझे बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है वो बताओ, तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा कितने एलिमेंट्स है? बी प्लस ई। कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी बताओ, ये गोला और ये गोले के इंटरसेक्शन में डी और ई। कोई मुझे बोलेगा बी और सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है बताओ, बी और सी के ये एलिमेंट्स है ई प्लस एफ। और तीनों के इंटरसेक्शन में, तीनों का इंटरसेक्शन हम ये वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट तुमको निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूँ। एन ऑफ ए में पुट किया ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, एन ऑफ बी में पुट किया बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, एन ऑफ सी में पुट किया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, माइनस ये पार्ट माइनस बी माइनस ई माइनस डी, अरे माइनस ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट और प्लस एक बार ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पूरा आया, देखो सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये ई, ये ई कट गया, ये ई, ये ये और ये कट गया, ठीक है। ये एफ कट गया, ये डी कट गया, ठीक है, एक बी कट गया, हो गया काम खत्म। बचा क्या, ढंग से लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ए बी सी, अच्छा जी कहाँ गया, हाँ जी भी बचा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मतलब ये पूरे पार्ट का हमने ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये जो भी मैंने लिखा है कुछ काम का है क्या? नो यूज। तो सर क्यों कराए, ऐसे ही करा दिया, ठीक है। ये लर्न करना है क्या? डू नॉट लर्न। तो करना क्या है तो बता रहा हूँ ना, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई काम का नहीं है जो भी मैंने लिखा है।
ठीक है, बस ऐसे ही एक बार करके दिखा दिया, तो ये समझ में आ गया होगा, ये स्टेप समझ में आ गए होंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। या तुम इससे भी समझ ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट, ये दो बार आया, ये भी दो बार आया, ये भी दो बार आया, तो एक 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 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट तीन बार आया था, फिर तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो एक बार ऐड कर दिया, ठीक है। नहीं चार के लिए भी बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अपने 5-6 महीने बाद बनाएंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। आईआईटी जेई में 3 तक ही पूछा है, ठीक है ना, 3 सेट्स के आगे आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे अपने, लेकिन 4-5 महीने बाद। अभी हम यहीं पे इसको रोक देंगे, अब अपने इसके एग्जांपल्स करेंगे बस, ठीक है, यही क्लियर होगा तुम लोगों को। सवाल लिख के स्टार्ट करता हूँ पहला, ठीक है ना, अभी इजी क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ठीक है, इजी तो नहीं है क्योंकि 3 वाले तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल, ठीक है, सर्वे में कितने लोग हैं, 600 है, 60 कर लेते हैं अपने, डेटा छोटा ही रखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ठीक है ना, एच नाम का कोई न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ठीक है ना, टी नाम का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, ठीक है ना। पहले मैं पूरा डेटा लिख देता हूँ, 9 रीड एच एंड टी, ठीक है ना, 9 लोग दोनों पढ़ते हैं, एच और टी नहीं, एच और आई कर लेते हैं, 11 रीड बोथ एच एंड टी, ठीक है ना, 11 लोग, 8 रीड बोथ टी एंड आई, ठीक है, 3 रीड ऑल द ऑल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स एच कॉमा टी कॉमा आई, तीन लोग तीनों पढ़ते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है ना, ये तुम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो देखो, तो पहले मैं ढंग से इसको बनाता हूँ, सुनना एकदम ध्यान से, जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको फॉलो करोगे बस तुम लोग, काम हो जाएगा। ये एच वाले गोले, ये टी वाला, ये आई, ये टोटल लोग 60, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 25 लोग एच पढ़ते हैं, यहाँ 25 नहीं लिखोगे, यहाँ 25 लिखोगे, 26 लोग टी पढ़ते हैं, यहाँ 26 लिखोगे, और 26 लोग आई पढ़ते हैं, यहाँ 26 लिखोगे, ठीक है, हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, हम हमेशा ये तीन वाले सॉल्व करते टाइम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाना, ठीक है ना, लिखो क्या है इसमें, बीच से बाहर की तरफ जाना, बाहर से अंदर आओगे तो गड़बड़ होगी, यहाँ से ये सब भरना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, और फिर ये भरेंगे, ठीक है ना, बाहर से अंदर नहीं आना। तो सबसे पहले मैं ये भरूंगा, ये कौन सा पार्ट है, जो तीनों पढ़ते हैं, तीनों कितने लोग पढ़ते, तीन, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ, देखो 9 रीड एच एंड आई, ये लाइन देखो, 9 रीड एच एंड आई, ठीक है ना, 9 लोग एच और आई पढ़ते हैं, एच आई पूरा 9 था, यहाँ पे 9 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी, एच और आई 9 लोग पढ़ते हैं, मतलब ये पूरा 9 था, इसमें से ये 3 तो हो ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 11 रीड एच एंड टी, एच और टी 11 लोग पढ़ते थे, यहाँ 11 मत लिखना, ये पूरा 11 है, उसमें ये 3 तो हो ही गया, यहाँ क्या आएगा, 8, और 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी और आई पढ़ने वाले टोटल 8 लोग हैं, ये 3 तो हो ही गया, तो यहाँ क्या आएगा, 5, समझ में आया ना, ठीक है। तो क्या लिखा, ये 25 था, तो ये 8, ये पूरा 25 है, तो ये 8 और 6 14, 14 प्लस 3 17, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 और 25 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये देख लो, ये पूरा 26 है, 8 और 3 11 5 16, ये पूरा 26 है, 26 माइनस 16 इज 10, ये कितना हो गया, 9 14, ये क्या आ गया, 12, क्लियर है, ठीक है। अभी मैं पहले जोड़ लेता हूँ पूरा, 8 16 10 26 32 35 40 52, तो ये पूरे 52 लोग हैं,
टोटल कितने थे 60, तो बचे कितने, 8, तो 8 है ही बाहर, ये 8 रो कैसे हैं, तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें, अरे ये वेन डायग्राम क्लियर है ना, नहीं है तो एक और करके दिखाऊंगा, अभी तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कर करके दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बना के दे रहा हूँ, तो कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड फर्स्ट एच ओनली, ठीक है ना, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, सेकंड पी ओनली, थर्ड आई ओनली, अरे करने की कोशिश करो, फोर्थ, ठीक है, एच एंड टी बट नॉट आई, एच एंड आई बट नॉट टी, एच सॉरी टी एंड आई बट नॉट एच, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है, एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है, एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर, एट मोस्ट वन न्यूज़पेपर, एट मोस्ट टू न्यूज़पेपर, ठीक है, देखो एक एक करके मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारे सवाल तुम करने की कोशिश करो, पहले पॉज कर दो वीडियो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोग हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, ओनली एच, तो ओनली एच मतलब ये वाला पढ़ता है, यही लोग हैं ना जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, 8 लोग, कितने लोग हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं, 10 लोग, कितने लोग हैं जो सिर्फ आई पढ़ते हैं, 12, अब यहाँ क्या लिखा है, कितने लोग हैं जो एच एंड टी पढ़ते हैं पर आई नहीं पढ़ते हैं, तो यही वाले लोग हैं ना, ये देखो ना, एच और टी के गोले में है और आई के बाहर है, तो ये लोग हैं जो एच और टी पढ़ते पर आई नहीं पढ़ते हैं, 8 लोग, एच और आई पढ़ते हैं और टी नहीं पढ़ते हैं, तो टी के बाहर वाले 6 लोग, टी और आई पढ़ते हैं, टी और आई और एच नहीं पढ़ते हैं, मतलब एच के बाहर वाले, मतलब ये 5, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कितने लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक न्यूज़पेपर में एच वाला भी आएगा, टी वाला भी आएगा, सिर्फ एच वाला, सिर्फ टी वाला और सिर्फ आई वाला, 8+10+12, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, तो ये लोग हैं जो 2 पढ़ते हैं, ये 2 पढ़ते हैं, ये भी 2 पढ़ते हैं, ये भी 2 पढ़ते हैं, 8+6+5, ये मत ले लेना क्योंकि ये तीनों पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन न्यूज पेपर, तो एटलीस्ट का मतलब लिख देता हूँ, बताया था कम से कम, ठीक है, तो कम से कम एक न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो कम से कम एक पढ़ते हैं, अरे यार वन न्यूज पेपर कम से कम पढ़ना चाहिए, तो एक कम से कम पढ़े, तो एक भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं और 3 भी पढ़ सकते हैं, तो पहले मैं एक वाले लिख देता हूँ, 8+10+12+, अब 2-2 वाले, ये 2-2 वाले, 8+6+5+, ये 3 वाले, ठीक है, फिर से देखो, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो कम से कम 2 पढ़ने वाले, तो ये 2 पढ़ने वाले, 2 वाला भी लेंगे और 3 वाला भी लेंगे, अरे कम से कम 2 पढ़ने वाले चाहिए, एट मोस्ट 1 न्यूज़पेपर, तो एट मोस्ट का मतलब बताया था ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक वाला ले लेता हूँ, प्लस ज्यादा से ज्यादा एक, तो एक और एक से कम, एक से कम क्या होता है 0, तो ये है 0 वाले, एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पढ़ने वाले, तो पहले 2 पढ़ने वाले लिखता हूँ, फिर एक पढ़ने वाले लिखता हूँ और फिर 0 पढ़ने वाले लिखता हूँ, ठीक है, देखो समझ लो, एट मोस्ट 2 था तो मैंने 2 वाले लिखे, एक वाले लिखे और फिर 0 वाला लिखा, एटमोस्ट 1 था तो मैंने एक वाला लिखा और 0 वाला लिखा, एटलीस्ट 2 था कम से कम 2, तो मैंने 2 वाला लिखा और मैंने 3 वाला लिखा, एटमोस्ट 1 था सॉरी एटलीस्ट 1 था तो मैंने एक वाला लिखा, 2 वाला लिखा, फिर 3 वाला लिखा, समझ में आया ना, अरे एटलीस्ट 1 है तो 1 2 3
जहां तक जाना है चले जाओ, एटलीस्ट टू है तो टू से स्टार्ट करो, एटमोस्ट वन है तो वन से कम होते जाओ, एटमोस्ट टू है तो टू से कम होते जाओ। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको शायद आईआईटी में, जेई में एडवांस में, मेंस में एडवांस में तुमको ये सवाल मिले, और इनमें से 12 में से कोई भी एक सवाल वो पूछ सकते हैं, या दो सवाल या चार सवाल, चार ऑप्शंस में चार अलग अलग क्वेश्चन बना के दे सकते हो। तो इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनेगा, पक्का है ये, ठीक है ना? ये तुम सीख जाओ बस, काम हो जाएगा अपना, क्लियरिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही है मेरे पास और क्वेश्चन है, ठीक है वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ डेटा चेंज कर रहा हूँ। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट होगा, 21 लोग लाइक करते हैं उसको, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, ठीक है ना, 14 लोग ए और बी लाइक करते हैं, 12 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, ठीक है ना, 12 लोगों को बी और सी पसंद है, ये 12 हटा के ये बी हटा के ए कर लो, एंड 14 लाइक बी एंड सी, ठीक है ना, ए एंड सी और ये बी और सी कर दिया, एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ तुम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो। ए वाले को ले, बी वाला, ये सी वाला, ठीक है, देखो भरता हूँ क्या लिखा हुआ है, 21 लोगों को ए पसंद है यार 21 लिख दिया, 26 लोगों को बी पसंद है यार 26 लिख दिया, 29 लोगों को सी पसंद है 29 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो 8 लोगों को तीनों पसंद है, 8 लिख दिया, ए और बी 14 लोगों को पसंद है, तो ये पूरा 14 है, इससे 8 है, 6 आ गए, 12 लोगों को ए और सी पसंद है, ये पूरा 12 है, ये 8 है, तो यहाँ 4 आ गया, और 14 लोगों को बी और सी पसंद है, ये पूरा 14 है, ये 8 आए, तो ये 6 आ गया, ये पूरा 21 है, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, यहाँ पे 3 आएगा, 21 माइनस 18, ये सेम 14 20, ये पूरा 26 है, 6 आएगा, और ये कितना हो गया 12 6 18, पूरा 29, ये 11 आ गया, ये हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोग दिए नहीं थे इसलिए मैंने टोटल वगैरह कुछ किया ना, ये काम खत्म हो गया, ये बन गया तुम्हारा इसका वेन डायग्राम। उसके बाद तुमको जो पूछा है सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन में, जैसे मैंने पूछे थे बहुत सारे सवाल, ठीक है ना, वैसे अगर इसमें पूछा तो हम कर लेंगे। देखो अभी है ना, मैं चाहूँ तो आज ही ये चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इस चैप्टर को मैं एक दिन और पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, तुमको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा उसमें, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस करने के लिए काम आएगा। इसके अलावा मैं बस एक सवाल करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक सवाल के थ्रू अपने इसको सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और दो चार एग्जाम्पल्स और करा दूंगा और अपनी ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कल, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक दो चीज़ें और बोल देता हूँ मैं उसके बाद। देखो अ कॉलेज अवार्डेड, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, ठीक है, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है ना, इतने इतने मेडल्स बांटे। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 स्टूडेंट्स, देखो एक चीज समझ लो, 38 प्लस 15 प्लस 20, 58 से कहीं ज्यादा होता है,
ठीक है ना, तो इतना कन्फर्म है कि कुछ लोग होंगे जिनको डबल डबल मेडल या ट्रिपल मेडल मिला होगा, कुछ लोगों को फुटबॉल बास्केटबॉल में मेडल मिला होगा, दोनों में मिला होगा, कुछ लोगों को तीनों में मेडल मिला होगा। तो उस पर एकदम अपने को फोकस अच्छे से करना है। एंड ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। फाइंड हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम होता है SCRA करके, ठीक है ना, बहुत ही टफ एग्जाम होता है ये, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, ठीक है ना। ये रेलवे का एग्जाम होता है, ठीक है ना, इसके थ्रू अपने को मतलब डायरेक्ट BTech की डिग्री 4 साल के बाद और डायरेक्ट सीधा जॉब मिलता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम बहुत टफ होता है ये, देखो उसमें इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ मैथ्स रहते तो ऑब्वियसली जितना हार्ड हो सकता है उतना हार्ड पूछेंगे, ये फुटबॉल ये बास्केटबॉल ये क्रिकेट। फुटबॉल में देखे हैं कि फुटबॉल कितने कितने लोगों को फुटबॉल में मेडल मिला है, तो 38 लोगों को। कितने लोगों को बास्केटबॉल में मिला है, तो 15 लोगों को। कितने लोगों को क्रिकेट में मिला है, तो 20 लोगों को। और क्या लिखा है, 3 लोगों को सब में मेडल मिला है, 3 आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बस इतना ही डेटा दिया है, यहाँ पे और भी कितने कितने डेटा दिए रहते थे, यहाँ पे और डेटा नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सारी चीज़ें निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है अपने उसको एक बार के लिए, तो ये वाले पार्ट को मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाले पार्ट को मैं वाई मान लेता हूँ, और ये वाले पार्ट को मैं जेड मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको कोई बोलेगा कि बताओ भाई ये वाला पार्ट क्या आएगा, तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3, वो 38 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 38 माइनस दिस प्लस दिस, एक्स प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। ये पूरा 15 है, ये जेड है, ठीक है ना। तो ये पार्ट आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 3, ये पूरा 20 है, तो ये आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3। टोटल लुक कितने हैं, तो 58। तो मैं लिख सकता हूँ 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अरे सबको जोड़ दिया, इज इक्वल टू 58, सही है क्या, ठीक है ना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो, तो तुमको डायरेक्टली एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी कुछ तो भी, ठीक है ना। क्या मिली थी वो मैं बता देता हूँ, सुन लेना। ये तुमको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। कोई मुझे बोलेगा सर एक्स निकाल के दिखाओ, सर वाई निकाल के दिखाओ, सर जेड निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूँगा, अगर कोई मुझे बोलेगा फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल हैं तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ती है, 3, स्कूल में पढ़ा है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 इक्वेशन नहीं बनी है, कितनी इक्वेशन बनी है, 1। तो यहाँ पर ये निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम सवाल पढ़ते निकालना क्या था, हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, मतलब एग्जैक्टली 3 में से 2 स्पोर्ट में मेडल मिलना चाहिए था, 3 में से 2 स्पोर्ट। 2 स्पोर्ट वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। मतलब बेसिकली हमको सवाल में क्या पूछा था, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो तुमको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 9, सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है ना। और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ और एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि होमवर्क तो चलो लिख रहा हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम लोगों का अपनी क्लास कब है, फ्राइडे को डेट क्या है, आज क्या डेट है, लॉकडाउन के चक्कर में डेट्स ही याद नहीं रहते, आज 18 है, 23, 23rd, ठीक है ना, 23rd मई को टेस्ट लूँगा,
सेट्स के ऊपर, ठीक है? तुम बोलोगे सर पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न नहीं पता मेरे को, कितने मार्क्स का नहीं पता मेरे को, टाइमिंग नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं बताऊंगा। आईआईटी में ऐसा ही होता है, टाइमिंग तो चलो बता देते, पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का होगा क्या आएगा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, बस टेस्ट है फ्राइडे को, रिविजन स्टार्ट करूँ, ठीक है ना? तुम लोगों के साथ ट्वेल्थ वाले भी पेपर देंगे, तुम्हारे मार्क्स और उनके मार्क्स में कंपेयर करके साथ में रिजल्ट लगाऊंगा, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग कहाँ पे हो, ठीक है ना? तो ये टेस्ट है सेट्स का, फुल टेस्ट, पूरा सिलेबस है, ठीक है ना? यहाँ लिख देता हूँ सिलेबस टिल डॉट जहाँ तक पढ़ा है अप टू ट्यूजडे, ट्यूजडे तक जहाँ तक पढ़ा है वो पूरा आएगा कल तक, ठीक है ना? तो ये है अपना टेस्ट का सिलेबस, तो ये तुम सेट्स को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, यही सब पूछूंगा। तो कल का लेक्चर आखिरी रहेगा, उसके बाद अपने रिलेशंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से, ठीक है? तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।